करनाल पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पत्रकारों से रूबरू हुए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मंगल सेन ऑडिटोरियम में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करने के उपरांत पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि इन कृषि अध्यादेशों के आने से देश के किसानों की आय दुगनी होने में सहयोग मिलेगा और साथ ही साथ किसानों के बीच में जो बिचौलिए थे उनसे भी छुटकारा किसानों को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का कार्य हमेशा किसानों को बरगलाना रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा में भी किसानों को विपक्षी पार्टियां भ्रम में डालने का काम कर रही है, जो कभी भी किसानों की हितेशी नहीं हो सकी। उन्होंने इस मौके पर किसानों के हितों में चलाई गई विकास कार्य योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राहुल गांधी का अगर कोई प्रोग्राम हरियाणा के लिए आता है तो उसके बारे में विचार विमर्श किया जाएगा, परंतु हरियाणा के किसानों को किसी भी दल एवं व्यक्ति द्वारा भड़काने नहीं दिया जाएगा और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने भी नहीं दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे मंगल सेन ऑडिटोरियम से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रगतिशील किसान सम्मेलन को संबोधित करने के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। मैं सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए, मंगल सेन ऑडिटोरियम करनाल। मित्रों देखिए, जैसा आप लोगों ने सुना भी है कि आज प्रदेश भर के 100 प्रगतिशील किसानों को हमने बुलाया था और उसमें दो विषयों पर मुख्य रूप से चर्चा रही। एक तो किसान की जो आय डबल करने की बात है और किस प्रकार से किसानों के ये जो तीन बिल बने हैं उन तीन बिलों के माध्यम से उस किसानों की आय को डबल करने के प्रावधान हैं। उनको खुली छूट दी गई है मार्केटिंग की, कहीं भी अपना बेचें, कुछ भी बोएं, कहीं भी बेचें। ये छूट कभी आज तक नहीं थी। पुरानी व्यवस्थाएं सारी खरीद की ऐसी कैसी बनी रहेंगी, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी। नए उनको विकल्प भी दिए गए हैं कि वो चाहें तो ऊंचे भाव पर बाहर जाकर बेच सकते हैं। उन तीनों अध्यादेश जो बिल बन गए उनके ऊपर जो पैनलिस्ट थे, एक्सपर्ट हैं, उन्होंने चर्चा रखी है सारी। और किस प्रकार से हम प्रगतिशील किसानों के दायरे को भी आगे बढ़ाएँ उनको भी प्रोत्साहन दिए गए हैं। तीन योजनाएँ हमने चलाई हैं। एक योजना इन प्रगतिशील किसानों के लिए है, दूसरी योजना में जो नए प्रगतिशील किसान जो नए लोगों को साथ लेकर के आएंगे उनको लिए बनाई गई है, और तीसरा किसान मित्र योजना में ये सब प्रगतिशील किसान ही प्रारंभ करें। हर किसान 100 किसानों को अपना मित्र बना करके उनकी व्यवस्थाएं ठीक करने में कैसे सहयोगी बनेंगे, ताकि हम किसानों की जितनी प्रकार की चिंता सब कर रहे हैं, ताकि ये विषय। सर, राहुल गांधी आ रहे हैं किसानों से मुलाकात करने, गृहमंत्री ने कहा कि उनको आने नहीं दिया जाएगा। उनके पास कोई काम है नहीं राहुल गांधी के पास, तो इसलिए उनको कोई काम ढूंढने होते हैं, ढूंढ के आते हैं। अब जो विषय आएगा, हमारे पास अभी कोई उनका कार्यक्रम नहीं आया है, वो भी पंजाब का कार्यक्रम उनका आया है, लेकिन हरियाणा में उनका कोई कार्यक्रम, मैं दोपहर तक जब यहाँ आया था तब तक नहीं आया था, कोई आएगा तो उसके ऊपर विचार करेंगे। मैंने बताया कि वो क्या कार्यक्रम देते हैं और क्या उस प्रकार से, क्योंकि पार्टी के कार्यक्रम का नहीं, ये जब केंद्र से राहुल गांधी का अपना कार्यक्रम आएगा उसके ऊपर आने के बाद हम अपना बैठ करके विचार करेंगे। लेकिन किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को किसी को भी हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। क्या तैयारी है? पूरी तैयारी है, और क्योंकि नॉमिनेशन का समय आएगा उसे पहले पहले कैंडिडेट लैंड है किसानों की, एक एक क्विंटल के मैसेज आ रहे हैं किसान नाराज। देखिए ये ऐसा नहीं है, ये कुछ लोग किसानों की, मैं समझता हूँ ऐसी शरारत भी हो सकती है, कोई भी पोर्टल पर इस प्रकार का मैसेज नहीं आता जो किसान ने ना भरा हो। मुझे दो केस ऐसे ध्यान में आए हैं कि किसान ने गलती से या जानबूझ के, मैं नहीं कह सकता, लेकिन किसान ने जो भरा है एक क्विंटल दो क्विंटल वही उसके चलाने में आया है, और उसके बाद उसको एक छूट होती है कि जो उसका एक लॉ तय किया गया है 30 क्विंटल पर एकड़ प्लस 10%, यहाँ तक तो भर ही सकता है, कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन उस पोर्टल में हम नया प्रावधान कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर लिमिट पर एकड़ का जो है उसमें पर्टिकुलर लिमिट से कम कोई भरता है, अभी तक वो प्रावधान नहीं है, चाहे वो एक क्विंटल भरता है, दो भरता, वो आ जाता है, अब वो भी नहीं आएगा ताकि कोई शरारत ना कर सके। कुछ शरारत करके निकाला गया, दो चार केस ऐसे। आज मैंने बता दिया ना कि किसानों को इसका कितना लाभ होने वाला, हमारे पैनलिस्ट ने भी बताया है, और ये आगे आने वाले, मैं कहता हूँ कि भी एक शंका तो निर्मूल की हो ही गई कि खरीदा नहीं जाएगा। आज सब चीज़ें मंडियों में चालू हो चुकी हैं, एमएसपी पर खरीदा जा रहा है, कहीं कोई दाना बचेगा नहीं। ये प्रोक्योरमेंट सीजन एक महीने बाद सबको ध्यान में आ जाएगा, और अगले 6 महीने में दूसरी फसल जो आएगी तब भी ध्यान में आएगा, और जब ये सारा विषय प्रत्यक्ष लोगों को ध्यान में आएगा तो किसान समझ जाएगा। ये तो कांग्रेस की झूठ बोलने की ये जो स्वभाव है,
ये हमेशा से चला आ रहा है, ये चलने नहीं देंगे। CAA में कानून जब बना, कितना इन्होंने बहकाया लोगों को, कितने भयंकर धरने किए, कोई किसी बच्चे को भी कुछ आई। इसी प्रकार 370, इसी प्रकार राम जन्मभूमि, कितने इन्होंने मुद्दे विवाद खड़े किए, कुछ हुआ? जब वो समय के सारी चीज़ें शांतिपूर्वक हो गए और सब लोग उससे प्रसन्न हैं, तो ये जो विषय है ये भी दूर की बात नहीं है। बहुत जल्दी सब सामान्य होने वाला, किसान समझ गया है कि बरगला रहे हैं, किसानों ने उनको बरगला करके, और कहीं आड़तियों को बहकाना, कहीं किसान को बहकाना, कहीं मिलर को बहकाना। सवाल है, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से सर रोजाना मरीज रेफर हो रहे हैं, इलाज नहीं मिल पा रहा प्रॉपर, 1,000 करोड़ रुपए का अस्पताल बन गया। नहीं, हमारे पास लोगों को बहुत उम्मीद थी, हमारे पास ऐसा कोई विषय नहीं आया कि भी वहाँ किसी को रेफर किया जा रहा। केवल जो संख्या, अगर जगह नहीं है तो होम आइसोलेशन या फिर दूसरे जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जाने के लिए कोई तैयार होते हैं उनको भेजते हैं। ट्रॉमा मरीज की बात कर रहे हैं सर? नहीं, ट्रॉमा का मुझे जानकारी नहीं। सर, इसी मंगल सेन ऑडिटोरियम को जिला प्रशासन जो है लीज पर दे रहा है प्राइवेट को, हमारी संस्थाओं ने विरोध किया था इसका। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise।